सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त त्रिजल सूर्य। आज मैं बताने वाला हूं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और उनके ऑपरेशंस को हम कैसे करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि रैशनल नंबर्स आखिर होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले हम जब छोटे थे तब हम किसी भी चीज को काउंट किया करते थे, 1 2 3 4 ऐसे, जैसे कि हमने एप्पल्स को काउंट किया 1 2 3 4 ऐसे। वैसे ही जो ये नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, मतलब जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो हम बचपन से चीजों को काउंट करते हैं, जैसे कि हम अगर एक डजन केले को काउंट करें तो फिर वो 12 होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे हम काउंट करते हैं। जो ये नंबर्स होते हैं जिनसे हम काउंट करते हैं चीजों को उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स या फिर काउंटिंग नंबर्स। तो चलिए जानते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स के बारे में जानने से पहले हमें कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा। अब सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 फिर इनफिनिटी तक जाएंगे। अगर मैंने नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दिया तो वो होल नंबर्स बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होंगे, मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर मैंने होल नंबर्स में नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूड कर दिए तब मैं उनको इंटीजर्स कहूंगा। इसका मतलब ये है कि 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। इसका मतलब ये है कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते जाएगा और 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन टिल -∞ तक ये नंबर्स चलते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स ना ही 0 के राइट साइड में खत्म हो रहे ना ही 0 के लेफ्ट साइड में खत्म हो रहे। अब हमने देखा कि हम नेचुरल नंबर्स से होल नंबर्स पे कैसे आए। हमने नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दिया। अब हमने ये भी देखा कि हम होल नंबर्स से इंटीजर्स में कैसे आए। अब हमने होल नंबर्स में नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूड कर दिए जिससे वो इंटीजर्स बन गए। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब फ्रैक्शंस वो नंबर होते हैं जिसको हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर न्यूमरेटर 0 या तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है और डिनोमिनेटर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब अगर मैंने एग्जांपल ले लिया 4/5, तो यहाँ पर 4 न्यूमरेटर है जो एक पॉजिटिव इंटीजर है और 5 डिनोमिनेटर है जो एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये एक फ्रैक्शन है। चलिए अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स की नीड कहाँ से आए। तो रैशनल नंबर्स के बारे में समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो एक इंसान है जो एक काम के लिए 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया और वही इंसान उसी पॉइंट से 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया। अब वो जब वेस्ट की तरफ गया तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो -5 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में गया। अब ये तो बात हो गई इंटीजर्स की, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शंस की। अब अगर मैंने एक और एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने कोई एक पॉइंट नोट किया जो सी लेवल के 750 मीटर ऊपर है, इसको हम लिख सकते हैं 3/4 किलोमीटर के रूप में भी लिख सकता हूं। अब अगर मैंने सी लेवल के नीचे 750 मीटर कोई पॉइंट लिया तो मैं उसको लिखूंगा -750 मीटर, इसको मैं लिख सकता हूँ -3/5 किलोमीटर के रूप में। लेकिन क्या -3/4 एक फ्रैक्शन है? अब हमने जैसा फ्रैक्शन के बारे में सीखा था कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर या तो 0 होता है या तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है और डिनोमिनेटर कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस आ गया। अब बात आती है रैशनल नंबर्स की। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वर्ड रैशनल रेशियो वर्ड से आया है। तो इतना तो जानते हैं कि कोई भी रेशियो, जैसे कि मैंने इधर ले लिया 3:2,
उसको हम 3/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर 3 और 2 नेचुरल नंबर्स हैं। अब रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या कहती है? इरैशनल नंबर इज डिफाइंड एज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अब अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया 4/5, अब क्या ये रैशनल नंबर है? जरूर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और साथ ही साथ p और q इंटीजर्स है और q भी 0 नहीं है। अब क्या -3/4 रैशनल नंबर है? जरूर है, क्योंकि -3 एक इंटीजर है और 4 भी एक इंटीजर है, जहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं है और ये p/q के फॉर्म में है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। आइए देखते हैं कि आर इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, इसका मतलब क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर्स है। तो अगर मैंने किसी इंटीजर या जैसे कि -5 इंटीजर को ले लिया, तो मैं -5 को -5/1 के रूप में लिख सकता हूँ। इससे प्रूव हो जाता है कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब क्या 0 रैशनल नंबर है? 0 को मैं 0/2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स इंक्लूड्स ऑल फ्रैक्शंस एंड ऑल इंटीजर्स। इसका मतलब ये है कि रैशनल नंबर माइनस पे भी होंगे और वो फ्रैक्शन भी हो के रूप में भी होंगे। आइए देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनमें न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होता है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होता है। जैसे कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में 3/5, जिसमें 3 न्यूमरेटर वो भी प्लस पॉजिटिव इंटीजर है और जो डिनोमिनेटर 5 है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है। वैसे ही 5/7, 2/9 और -3/-5, इसमें माइनस और माइनस कट जाएंगे, इसलिए फिर वो बन जाएगा 3/5, इसलिए हम -3/-5 को भी पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलेंगे। अब नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनमें कोई भी एक या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव इंटीजर होता है। जैसे कि -5/7, इसमें न्यूमरेटर नेगेटिव है इसलिए एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। और ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि -3/7, -2/9, 8/-3। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर नेगेटिव इंटीजर है इसलिए ये पूरा नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसलिए 8/-3 भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। 4/-2 वैसे ही एग्जांपल। अब 0 पॉजिटिव रैशनल नंबर है कि नेगेटिव रैशनल नंबर है? इसका आंसर है कि 0 ना ही पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना ही नेगेटिव रैशनल नंबर है। अब देखते हैं कि कुछ ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर कैसे होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सबसे पहले देखते हैं कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं। तो अगर मैंने दो नंबर ले लिए 7/3 और -5/3, तो अब मैं इनको जब ऐड करूंगा तब मेरे को इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 3 है ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर 3 है। तो फिर जब हमने कॉमन ले लिया 3, तब 7 × 1 = 7 हो जाएगा और -5 × 1 = -5 हो जाएगा। अब 7 + -5 है, इसका मतलब 7 - 5 जो हमें देगा 2। हमारा आंसर आ गया 2/3। दिस मीन्स दैट 7/3 + -5/3 = 2/3। अब देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं। अब अगर मैंने दो नंबर्स ले लिए 5/7 और 3/8, अब हम 7 और 8 का एलसीएम लेते हैं,
7 और 8 का एलसीएम 56 होता है। अब इसमें हम कॉमन 56 ले लेंगे। अब जब एलसीएम 56 निकल गया तब हम क्या करेंगे कि 5/7 इंटू 8/8 करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 56 लाना है। अब हम उसके बाद 3/8 इंटू 7/7 करेंगे ताकि हम डिनोमिनेटर में 56 लेके आ पाए। अब 5/8 = 40 होता है और 3/7 = 21 होता है। इसका मतलब ये है कि 40 - 21 / 56 इसका मतलब होगा, अब मैं अगर इसमें माइनस करूं तो फिर मेरे को आंसर मिल रहा है 19, मतलब इसका आंसर है 19/56। सो 5/7 - 3/8 = 19/56। चलिए देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं। तो मैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में अगर दो नंबर ले लू, जैसे कि -3/5 × 2, अब मैं 2 को 2/1 के रूप में लिख सकता हूँ। तो फिर -3 × 2 हमें -6 देगा और 5 × 1 हमें 5 देगा। इतना याद रखना है कि हमें न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से सिर्फ डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये है कि -3/5 × 2 विल गिव अस -6/5। अब चलिए देखते हैं कि डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं। अब अगर मैं डिवीजन में दो रैशनल नंबर्स ले लूं, जैसे कि 6/-5 / -2/3, जब डिवीजन होता है तब हम इस दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि 6/-5 × its reciprocal, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 6/-5 हुआ, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया इसको इसके रेसिप्रोकल के साथ, तो अभी मेरे को मिल गया 6/-5 × 3/-2। अब 6 × 3 = हमें 18 देगा और -5 × -2 हमें 10 देगा। इसका मतलब ये है कि 6/-5 / -2/3 विल गिव अस 18/10। तो इस वीडियो में हमने जाना कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स की नीड कहाँ से आई, सारे इंटीजर्स और फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं और रैशनल नंबर्स के ऑपरेशन कैसे करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप सुबह देख रहे हैं तो गुड बाय और शाम को देख रहे हैं तो गुड नाइट।